नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में फैंस को कई चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही हैं, जिसमें सभी टीमों को न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलना पड़ रहा है। इस दौरान अगर किसी टीम ने सबसे ज़्यादा हैरान करने का काम किया है तो वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम, जिसने 14 साल के इतिहास में खेले गए 4 सीजन ओपनर में से पहली बार जीत हासिल करने का काम किया। हालांकि आरसीबी की जीत का सिलसिला यहां पर रुका नहीं और चेन्नई में खेले गए 3 मैचों में जीत हासिल करने के बाद वानखेड़े में अपना पहला मैच खेलने पहुंची आरसीबी की टीम ने राजस्थान को 10 विकेट से हराकर जीत का चौका लगाने का काम किया। बता दें, आईपीएल 2021 के 16वें मैच में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हराया। इस मैच में देवदत्त पड्डीकल ने बेंगलोर की तरफ से नॉट आउट 101 रन बनाए। वहीं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने भी हाफ सेंचुरी जड़ा। कोहली ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी 50 पूरी करने के बाद खास रिएक्शन दिया। विराट कोहली ने 50 पूरी करने के बाद पहले एक फ्लाइंग किस दी, इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से पालना बनाया। इसे साफ है कि कोहली ने अपनी 50 को अपनी बेटी वामिका को डेडिकेट किया है। बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का जन्म 11 जनवरी को हुआ था। विराट कोहली ने इस मैच में 47 गेंदों में नॉट आउट 72 रन बनाए। आईपीएल 2021 में ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आरसीबी ने अभी तक सीजन में अपने 4 मैच जीते हैं और वो पॉइंट टेबल में टॉप पर है। इस मैच की बात करें तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 177 रन बनाए। आरसीबी ने विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की नाबाद पारियों के बदौलत 16.3 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान के ये लक्ष्य हासिल कर लिया। देवदत्त पड्डीकल ने नाबाद 101 रन बनाए और आईपीएल में अपनी पहली सेंचुरी लगाई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।